आप बताइए ओवल टूल जो है कहां पे लोकेटेड है? शेप के अंदर। शेप के अंदर है। अच्छा शेप कहां पे है इसमें? शेप कहां पे होती है? आपका पेट खोला हुआ है आपने? जरा पेट खोल लीजिए। ओवल सर्कल के जैसा ही होता है। आइए पेट खोल लीजिए पहले। अब बताइए भाई आपको जो है, आप बताइए इसमें जो है हमें ओके अभी ये नियम है एरो नीचे करिए। इसमें शेप्स वाला कौन सा है? शेप्स वाला कौन सा है? शेप्स वाला हाँ तो ब्रश के बराबर वाला है। बहुत वेरी गुड वेरी गुड। अब जब इसमें खोलेंगे हमें तो ओवल मिल जाएगा उसमें? खोलिए आप खोलिए। खुला हुआ है। ओवल पे क्लिक कीजिए। ओवल कौन सा बताइए जरा? ओवल क्लिक कीजिए ये इसको जो है वेरी। अब जो है आप अपने इसमें देखिए कि ओवल कहाँ पे है। जरा अपने टूल्स खोल लीजिए और टूल्स खोलिए और ओवल पे देखो, ओवल पे क्लिक कर लीजिए ताकि उसको आप जो है आप करिए ओवल को। आप देख लीजिए जरा ओवल को। ओवल टूल को क्लिक कर लिया आपने? गुड। चलिए अब आगे चलिए वीडियो। वीडियो को देखकर ओवल टूल का उपयोग करके कॉपी पेस्ट करना सीखें। सबसे पहले आप ओवल टूल, अब हम कॉपी पेस्ट के लिए हमने पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं। हम पहला काम करेंगे कि हम ओवल टूल का इस्तेमाल करेंगे। कौन से टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं? ओवल टूल का। किस काम के लिए करेंगे हम? कॉपी पेस्ट के लिए। कॉपी के लिए क्या करते हैं? कॉपी के लिए क्या करेंगे? कमांड की कौन सी है आपकी? कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट के लिए क्या कमांड है? कंट्रोल प्लस V। वेरी गुड। ठीक है, दो कमांड हमें याद रखनी है, कंट्रोल प्लस C और कंट्रोल प्लस V, क्योंकि वो अब हम ओवल टूल के साथ में काम करेंगे। ठीक है, टूल को सेलेक्ट करें, फिर माउस या टच पैड के लेफ्ट बटन को दबाकर रखें। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो चलता रहेगा और आप उसी तरीके से, मैं आपको वॉच करूंगा और उसी तरीके से आप करते रहिए। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मुझे हाथ रेस कीजिए। ठीक है, और फिर दिखाए गए चित्र की तरह बनाएं। जैसे आपने रेक्टेंगल किया है ऐसे ही ओवल होगा। कंप्यूटर को यह बताना होगा कि मुझे यह चित्र कॉपी करना है। इसके लिए आप सेलेक्ट टूल पर जाकर लेफ्ट बटन। अब हमें कंप्यूटर को कमांड देनी है, हमें करना कैसे है, हमें करना कैसे है, ये हमें कॉपी कैसे करना है। अब हमें जो है चलिए उसको मैं चलाइए, आप इसको चलाइए। बताना होगा कि मुझे यह चित्र कॉपी करना है। इसके लिए आप सेलेक्ट टूल पर जाकर लेफ्ट बटन से क्लिक करें। सेलेक्ट टूल कहाँ पे है आपका? सबने सेलेक्ट टूल पे ले लिया है? सेलेक्ट टूल आपको मिल गया? सेलेक्ट टूल बहुत बहुत तेज चल रहे हो। सेलेक्ट टूल यहाँ पे, ठीक है, ये बाकी चीज हटा दो, बाकी चीज हटाइए सर, उसपे से बाकी चीज हटाइए सर, छोटा रखिए, जब स्क्रीन बहुत ज्यादा बड़ा, इतना रखिए जितना जरूरी है। सभी लोग उतना करना चाहिए जितना उस पर वीडियो में चल रहा है कमांड, वो है कमांड से ओवर मत जाइए अभी। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलिए। सेलेक्ट टूल ले लिया आपने, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सेलेक्ट करें। अब सेलेक्ट टूल ले लिया, अब इसको ड्रैग करके लाइए और अपने जो आपने किया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अभी समझे नहीं समझे कैसे करना है अभी आपको, सेलेक्ट टूल का कैसे उपयोग करना है, सेलेक्ट टूल को, इनको सेलेक्ट टूल का उपयोग करके दिखाइए, वो दिखाना पड़ेगा। इस देखिए देखिए सेलेक्ट टूल पे गए, वहां से आपने लिया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन किया, ये वाला सिलेक्शन किया। अब इसका उपयोग कैसे करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। अब करके क्या करना है आपको जो है माउस से जो है माउस के कौन से उसको दबाना है? लेफ्ट को दबा के आप जब किसी पार्टिकुलर कोई भी चीज़ इमेज को आप सेलेक्ट करते हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा आपका पॉइंटर कहाँ पर है। आपको उस इमेज से थोड़ा साइड में थोड़ा इस तरीके से रखना ताकि सेलेक्ट करने में आसानी हो। अगर गलती से आप यहाँ पे बच्चे सब क्या करते हैं, गलती से यहाँ पॉइंटर रख देंगे उसके बाद सेलेक्ट करेंगे।
ये पॉइंट है, तो इसलिए फिर इतना रख के इसीलिए थोड़ा सा यहीं बताना पड़ेगा कि आपको सेलेक्ट कैसे करना है, आपका पॉइंटर कहाँ पे होना चाहिए। आपका पॉइंटर अगर यहाँ पे होगा, थोड़ा बंद कीजिए, अगर आपका पॉइंटर यहाँ पे होगा, यहाँ से करिए, यहाँ पे करिए, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। देखिए आप कहाँ सेलेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है कि वो बाकी चीज छूट गई है और सेलेक्ट कहाँ से हो रहा है, आधी चीज सेलेक्ट कीजिए। दोबारा से इसको करिए, यहाँ से करिए, ये देखिए, इसका मतलब है कि जो चीज आपको सेलेक्ट करनी है या जो आपको कॉपी पेस्ट करनी है वो पूरी की पूरी सेलेक्ट होनी चाहिए या उस आपके सिलेक्शन टूल के अंदर वो चीज आनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी चीज छूट जाएगी तो वो कॉपी नहीं होगी, कॉपी हो जाएगी लेकिन वो अधूरी होगी। इसलिए पूरी कॉपी करने के लिए, उस चीज को पूरा कॉपी करने के लिए वो देखिए, ध्यान देखिए कि आपके सेलेक्ट टूल के अंदर वो पूरी की पूरी वस्तु या कोई भी डिजाइन आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, सबने किया, सेलेक्ट कर लिया सबने, आपने सेलेक्ट नहीं किया, कर दिया नहीं, उन्होंने वो क्लिक कर दिया था, मैंने कर दिया है, नहीं नहीं आप सेलेक्ट, अभी सेलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट कीजिए, नहीं आपने गलत किया, इसको ओवल को आप बीच में बनाइए, आप बहुत उधर बना रहे हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, देखो वही गड़बड़ हो रही जो अभी बताई गई है आपको। ओवल को थोड़ा इसको हटाइए पहले, कैसे हटाते हैं, कंट्रोल, हाँ सर 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 सर, एक ध्यान दीजिए सामने, अगर गलती से आप सब ने इतना सिलेक्ट कर लिया है तो आपको कुछ करना नहीं है, टेंस घबराना नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस कर्सर थोड़ा साइड में रख के क्लिक कर दिए, वो जो आप सिलेक्शन वाला चला जाएगा, फिर से आप सिलेक्ट करिए, अगर आप गलती से इसको करके उसके बाद फिर अंडू करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो चला ही जाएगा ना, फिर वो आपने बाहर कर्सर रखा, अगर पूरा सिलेक्ट भी नहीं होता कोई टेंशन नहीं है, बाहर कर्सर रखा, क्लिक कर देगा, हट जाएगा वहां से उस बॉक्स से, थोड़ा बाहर करिए, सेलेक्ट करिए, वेरी गुड, आपका सेलेक्ट हो गया सर, का आपने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के बाद में अब हमें कौन से टूल का इस्तेमाल करना है, कॉपी कॉल, ठीक है, कॉपी के लिए कौन सी हमारी कीज है जल्दी बताइए, कंट्रोल सी, अब क्या करेंगे आप, एक बार इसको छोड़ी वहीं वहीं कर लीजिए, बस उसका माउस को छोड़ दीजिए, सेलेक्ट करने के बाद में अब क्या करेंगे, कौन सा हमें की दबानी है, फटाफट कीजिए, कंट्रोल सी करिए, एक बार कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, सर कुछ नहीं हुआ था, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन आएगा सीधा, बताएंगे ना, आपको दिखाई दे रहा है कुछ नहीं हो रहा लेकिन वो कॉपी हो चुका है, इसको अंडू कर दो, अंडू कर दिया, तो जब आप करेंगे आप थोड़ा वीडियो चलाइए इसको, मुझे दिखाइए, अब आप उस चित्र को सेलेक्ट करें, इसके जैसा आप एक से ज्यादा चित्र बनाना चाहते हैं, चित्र को सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कर लिया आपने, आप लेफ्ट हैंड की एक फिंगर से कंट्रोल के बटन को दबाकर रखें, एक से, और राइट हैंड की एक फिंगर से इसको सी के बटन को एक बार दबा, एक बार दबाया तो क्या हुआ, ये कॉपी हो गया, वीडियो चलाइए, और फिर वहां से हाथ हटा दें, वहां से आप हाथ हटा दें तो कंट्रोल को छोड़ दीजिए, तो सी दबाने के बाद यहां पर कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने सिर्फ कॉपी किया है, जो चित्र आपने कॉपी किया है अभी हमने, यहां पर कुछ नहीं होगा जो बता रहे हैं, सिर्फ कॉपी हो गया है, वो आपको नहीं दिखाई देगा कि कॉपी हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो कॉपी हो चुका है क्योंकि कमांड उसको दी जा चुकी है। अब हमें क्या करना है, वहां से कर्सर को जो है हटा देना, थोड़ा हटा के उसके बाद हमें इसको पेस्ट करना है, चलिए वीडियो है, उसको लाने के लिए आप पेस्ट मतलब कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करेंगे। अब आप देखिए कि खुद अपने उसमें देखिए, कंट्रोल वैसे जैसे हमने कंट्रोल सी किया था, कंट्रोल वी कीजिए, अब आप कंट्रोल वी कीजिए,
अब वही चीज कहीं और भी आपके स्क्रीन पे आ गई होगी, बिल्कुल ऊपर के लेफ्ट साइड में आ गई होगी, आ गई है। आपके में आई थोड़ा मिस्टेक होगा क्योंकि आगे वीडियो में बताया गया है, देखिएगा ठीक है। चलिए 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 वीडियो वीडियो से कॉपी किया हुआ चीज पेट के सीट में लेफ्ट साइड आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे आ गया। ध्यान रहे ये बॉक्स हटना नहीं चाहिए, अगर ये बॉक्स अब इसको यहाँ पे जो है आप कर्सर को जो है आप क्लिक नहीं करेंगे, अगर ये बॉक्स हट गया तो आप इसको जहाँ लाना चाह रहे हैं ड्रैग करके वहाँ नहीं ला पाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कॉपी तो हो गया, अगर आपने इसको हटा दिया तो ये यहीं कहीं रह जाएगा। अब हमें इसको इसका उपयोग करना है, इसका यूज करना है, पिक्चर बनाने में करना है या कॉपी करने में करना है या इसको कहीं और ले जाना है, तो इसको जो है बॉक्स को हमें इसके साथ ही लाना पड़ेगा, कॉपी के साथ ही लाना है। चलिए हट जाएगा तो आप इसे एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं।